जिनके मुंह में बवासीर है और समाज की नजरों से वो लगातार गिरते भी चले जा रहे हैं, देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, वो बहुत ही घृणित और निंदनीय है। दिन ऐसा आएगा कि समाज उनके ऊपर थूकने पर बात। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु हैं। इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान का कटाक्ष किया है। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता हैं और लगातार धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। मीडिया कर्मियों ने जब दयाशंकर मिश्र दयालु से पूछा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर है। आप भी सुनिए दयाशंकर मिश्र दयालु ने क्या कुछ कहा। सर, मुझको तो लगता है कि आप लोग बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति को, जिनको पूरा देश, पूरा समाज, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है कि जिनको, जिनके मुंह में बवासीर है, ऐसा अभी आपने देखा कि उनको बोलने की आदत है, बेतुका बोलने की। वो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी की भी आलोचना कर सकते हैं, वो धर्म की लगातार आलोचना करते जा रहे हैं और समाज की नजरों से वो लगातार गिरते भी चले जा रहे हैं। दरअसल दयाशंकर मिश्र दयालु एक कार्यक्रम में शिरकत करने उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर के जिला पंचायत हॉल में साहित्यकार स्वर्गीय विवेक राय की 100वीं जयंती के मौके पर भारतीय ग्राम गाथा का लोक आलोक विषयक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु रहे। कार्यक्रम का आरंभ आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने स्वर्गीय विवेक राय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। व्याख्यान कार्यक्रम में जनपद की तमाम साहित्यकार और बुद्धिजीवी मौजूद रहे। वक्ताओं ने साहित्यकार और यश भारती सम्मान से सम्मानित स्वर्गीय विवेकी राय के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने स्वामी प्रसाद मौर्य के देवी देवताओं पर दिए गए विवादास्पद बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपी देश और पूरा समाज कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर है। इंसान जब गिरने की ठान लेता है तो उसको इस बात की परवाह नहीं रहती। खुद भी सनातन धर्म को मानते हुए उनका जीवन यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन फिर भी वो एक आलोचक बन रहे हैं, आलोचना करते जा रहे हैं और समाज इसको संज्ञान ले रहा है। उनको निश्चित ही अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा कि जिस चीज की, जिस बात की वो आलोचना करते हैं, देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, वो बहुत ही घृणित और निंदनीय है। और मुझको लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि समाज उनके ऊपर थूकने पर बाध्य।